टाइफाइड का 100% इलाज है मुनक्का खूब कलाम अंजीर, अपने घर में चटनी बना के खा लो और ऊपर से गिलोई पी लो और क्या ठीक, टाइफाइड ठीक। बोले जी इतना कौन चटनी बनाए, ये है आलस्य, एक गोली खाएंगे और चंगे हो जाएंगे। चंगे नहीं हो जाओगे, शरीर में दंगे हो जाएंगे, पूरा शरीर जो है ना वो उबलने लगता है। अब तो हमने टाइफोग्रिट भी बना दिया, क्या बना दिया जोर से बोलो तुम बावलो, आज के बाद कोई भी टाइफाइड की दवा नहीं खाना। वो तो है लूटने वाले और तुम हो लुटाने वाले, पैसे किस काम आएंगे, चलो हॉस्पिटल खाओ दवा, लुटो लुटवाओ। एक आया पिछले दिनों फरियादाबाद से, बोलो बाबा जी चार भाइयों के बैंक अकाउंट खाली करके आया हूं, अपनी जमीन जायदाद बेच के आया हूं, पूरा लूट पिट के आया हूं, ले मेरे भाई। तो लोग क्या किस चक्कर में खाते थे एलोपैथी की दवा, हरी पत्तिया, लाल पत्ता, पीला पत्ता, पहले ऐसे ही खाते थे गांव वाले, एक हरा पत्ता ले आइए रे, एक पीला पत्ता ले आइए, एक सफ़ेद पत्ता ले आइए, और फिर पता ही नहीं लगा कब मौत के आगोश में समा गए बावड़ो। अब बुखार की दवा खाते थे, किसकी, बुखार की। अभी बुखार की दवा खा खा करके बच्चों को के लीवर खराब हो रहे हैं, बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है मात्र बुखार की दवा से, सर्दी जुकाम टाइफाइड की दवा से। मैंने एक दो नहीं हजारों लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव यहां पर बताए, आज मैं तुम्हारा ही पूछो ना यदि तो एक दिन लग जाएगा एलोपैथी से कितने लुटपिट के यहां पर बैठे हुए हो। एक बार कर लो अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से। तो हमारी बेटी देव ऋषिका जी, आप तो एक एक पैर से करो बेटा, ऐसे आराम आराम से अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन। आप तो मोटी हो नहीं, लेकिन कुछ मोटी मोटी हमारी बहनें हैं ना, इन बहनों से तो भाई ज्यादा मोटे हैं, मोटे भी हैं कुछ तो खोटे भी हैं। बहनें मोटी होकर के भी खोटी नहीं होती, और वो बहनें जो मोटी होती हैं उसमें कारण होता है पीरियड की दिक्कत, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की प्रॉब्लम, ज़्यादातर उनकी गलती होती है 1%, और 99% तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उनके जीवन में, इस प्रकार के कुछ बातें हो जाती हैं उससे उनको मोटापा हो जाता है। तो ये कर लेना अपना आराम आराम से, एक निदम की तरह लगे रहो। तो मैं बोल रहा था अब आपको टाइफाइड की दवा, क्या है टाइफाइड की दवा, टाइफोग्रिट। ये ग्रिट माने लड़ने की और जीतने की ताकत, ये हमने अंग्रेजी का एक शब्द पकड़ लिया, मैंने कहा इस अंग्रेजी दवाओं से लड़ना है तो इन जैसे ही नाम रख देते हैं। अब लोगों को ना अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी का भूत अभी तक इनका उतरा नहीं है। भूत के साथ भूतनी भी है, डाकनी है, पिशाचिनी है, इसके साथ शनि केतु राहु है, इसके साथ पहले तो बोलते थे पितर दोष है, इसके में सारे के सारे दोष हैं। तो टाइफाइड के लिए क्या है बोलो, टाइफोग्रिट।